श्रोते हो नमस्कार. श्रोते हो, 27 मे हा दिवस भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा स्मृतिदिन. भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याकरिता संघर्ष करणाऱ्या प्रमुख महापुरुषांमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हे एक होते. महात्मा गांधींच्या विचारधारेशी सावलीप्रमाणे उभे राहणारे पंडित नेहरू हे प्रेमळ आणि निस्सीम देशभक्त होते. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवासही सहन केला. स्वतंत्र भारताचे ते पहिले पंतप्रधान. भारताच्या आधुनिक विकासासाठी, देशाला आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी आणि देशाच्या भवितव्यासाठी त्यांनी स्वतःला झोकून दिले. ते लहान मुलांवर जीवापाड प्रेम करत, म्हणून मुलं त्यांना चाचा नेहरू असे संबोधत. आपल्या विचारांनी आणि कृतिरूप कार्याने त्यांनी लोकांची मनं जिंकली. श्रोते हो, 27 मे 1964 रोजी या थोर पुरुषाने आपणा सर्वांचा निरोप घेतला. आकाशातील ताऱ्यांमधून एक तेजस्वी तारा निखळला. श्रोते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आकाशवाणीच्या संग्रहातील त्यांचं भारत की एकता या विषयीचं भाषण आपण ऐकणार आहोत. श्रोते हो, तर ऐकूया पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या आवाजातील भारत की एकता हे भाषण. तो इस वक्त सब में आवश्यक चीज, देश में बुनियादी चीज है जो हर एक मानता है जवानी, वो ये भारत की एकता. भारत की एकता में कई बातें आ जाती हैं. एक तो अलग अलग हिस्से हैं भारत के, प्रदेश हैं, प्रांत हैं, सूबे हैं, वो सब समझें कि वो एक उनकी भलाई है, सारे भारत की भलाई है, वहाँ के लोग समझें. ये नहीं कि हम गुजरात के हैं, महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बस उसी उनके मन में वही रहे भाग और भारत को भूल जाएं. हर चीज़ सामने रख के करें, यानी जिसको असल में कहते हैं राष्ट्रीयता. हमारे देश में मुझे अफसोस होता है कहने को कि राष्ट्रीयता नहीं है. ठीक ठीक जबानों पे हमारे हैं वो. राष्ट्रीयता क्या हो जाती है, इसको राष्ट्रीयता हम कहते हैं. राष्ट्रीयता के रूप हो जाता है, एक हो जाएगी पंजाबी राष्ट्रीयता, एक बंगाली, एक मराठी, एक गुजराती, एक उत्तर प्रदेशी, एक बिहारी, एक मद्रासी, वो अलग अलग है. अब किसी कदर सारे भारत की भी राष्ट्रीयता है, इसमें कोई शक नहीं, तो भारत रहता नहीं. लेकिन कभी कभी वो भारत की राष्ट्रीयता दब जाती है और प्रदेश की राष्ट्रीयता आगे आ जाती है. जैसे दूसरी चीज़ लीजिए राष्ट्रीयता के लिए, एक राष्ट्रीयता हो जाती है जिसको कहा जाए हिंदू राष्ट्रीयता, एक दूसरे मुसलमानों की राष्ट्रीयता, तीसरे सिखों की राष्ट्रीयता, वो राष्ट्रीयता नहीं है. राष्ट्रीयता तो सारे राष्ट्र आना चाहिए ना, अगर सारा नहीं आता तो कम है, वो एक उसमें एक टुकड़ा आता है, या तो एक हिस्सा भारत का प्रदेश, या कोई धर्म का हिस्सा आ जाता है, या कोई जात का आ जाए कि सब ब्राह्मण लोग समझे. एक उनका अगर जज्बा पहला कोई ब्राह्मणों की जात के ऊपर हो तो बड़े भले आदमी हो, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता बंध गई एक जात में या भाषा बोलने वाले. सब आपने देखा इसमें झगड़े होते हैं अक्सर, ये सब झगड़े निशानी हैं हमारे राष्ट्रीयता के कम होने के, वो निशानी है हमारे एक पिछड़े हुए कौम होने के. आप समझ लें, ये निशानी है जिसको कहते हैं सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ होना, सोशली बैकवर्ड हम हैं, हम या कोई ऐसा देश. और इससे इस गज से हम नापा जाता है हमारा और मुल्कों में, तो हम बहुत ठिंगने नज़र आते हैं और दुनिया को. हम यहाँ बहुत हिम्मत बहादुरी दिखा दें किसी झगड़े में आपस के, भाषा के नाम पर या धर्म के नाम पर या मज़हब या सांप्रदायिक बातों पर, कम्युनल बातों पर, लेकिन वो निशानी है हमारे सोशली बैकवर्ड होने के, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होने की है निशानी. और इसी तरह से लोग दुनिया में और समझते हैं, और हमें वो कमज़ोर करती, ये बात हमें समझनी अच्छी तरह से. अलावा इसके एक सिद्धांत रूप से हम कहें एकता अच्छी है और हमारी शक्ति बढ़ती है, वो तो है ही बात, लेकिन ये निशानी है हमारे एक दुनिया में पिछड़े हुए कौम होने की. तो मैं कहता हूँ आपसे कि आप जो भी काम करें, आपका ये एक बुनियादी काम है, ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं,
कि मुल्क में इत्तेहाद एकता और इत्तेहाद इसके बगैर काम चाहे गांव का आपका इलाका हो या गांव हो तहसील हो कुछ हो वो एक जब ये काम ना हो तो गाड़ी चलती नहीं भारत की ना आपके गांव की गाड़ी तो गाड़ी चलेगी ना कहीं और की। इसलिए मैंने इस पे आपसे इतना ज़ोर दिया। इसकी शक्ल रूप तरह तरह के मैंने आपको जबलपुर की मिसाल दी। भाषा पे कितने झगड़े हुए हैं वहाँ बम्बई में तो पुराना बम्बई राज्य था इसके दो टुकड़े हुए अच्छा और जगह भी हुए और बातों पे हुए। इधर पंजाब में ये सवाल उठाया जाता है भाषा का। मैं इन बातों में नहीं जाता मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो चीज़ें हमारे रास्ते में आ रही हैं वो सब उसकी जड़ ये है अलहदगी मिलना नहीं अलग रहना सेपरेटनेस और जो एक राष्ट्रीयता है वो मिलाने की चीज़ है। एक कांग्रेस में कमेटी बनी है नेशनल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यानी मिलाना मिल जाना जैसे दूध शक्कर मिलता है वैसे ये सब में बड़ा सवाल भारत का है और जिस दर्जे हम इसको हल कर सकते हैं हम कामयाब होंगे जिस दर्जे नहीं कर सकते हम पिछड़े रहेंगे। पिछड़े रहने से माने हैं दुर्बल रहेंगे गरीब रहेंगे और हर तरह से गिरे रहेंगे दुनिया में। आप जानते हैं कि देश की ताकत देश की एकता में होती है। एकता को ऊपर की एकता खाली नहीं ऊपर की भी अच्छी है लेकिन हमारे दिल की हमारी भावनाओं की जिसको इमोशनल इंटीग्रेशन कहते हैं आजकल यानी जज्बात हो एक 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 परिवार में ख़ानदान में एक चीज़ ख़ानदान को जोड़ती है। आप उसमें लड़ते हैं भाई भाई जो कुछ हो लेकिन एक चीज़ जोड़ती है वो उसी तरह से शायद कुछ रकम दर्जे हमें अपने शहर वाले या अपने सारे देश वालों को कोई चीज़ जोड़े। मैं बार बार जोड़ने पर आ जाता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ भारत में भारत के इतिहास में दो बातें अजीब हैं दोनों अजीब हैं। एक तो ये कि बड़ी ज़बरदस्त एक संस्कृति की एकता विचारों की चाहे संस्कृति कहिए दर्शन कहिए कुछ वो उससे हमारी बड़ी बड़ी जो पुस्तकें हैं महाभारत है रामायण है उन्होंने और किताबों ने भी एक असर सारे भारत पे डाला अपने अपने ढंग का और उससे पीछे एक आम संस्कृति फैली। हालांकि उसने अलग अलग हिस्सों में भारत के अलग अलग पोशाक पहन ली लेकिन बुनियाद वो लेकिन हाँ और ये रही बावजूद इसके कि भारत में 50 टुकड़े रहे राजनीतिक टुकड़े। बात में याद रखना है कि भारत बहुत ही कम राजनीति के हिसाब से एक देश रहा पुराने ज़माने में बहुत पुराने ज़माने में। अब क्या भारत था कहाँ तक पूरा भारत भी नहीं था ऊपर का हिस्सा था आर्यवर्त इत्यादि नाम थे ब्रह्मवर्त आर्यवर्त वो थे बढ़ रहे थे लोग कर रहे थे लेकिन जिसको आज हम हिंदुस्तान कहते हैं सारा देश ये बड़े से बड़े समय अशोक के समय तक पूरा इतनी कुछ थोड़ा सा रह गया। अशोक के समय और समय ऐसे जब हुआ भी तो थोड़े दिन के लिए हुआ फिर टुकड़े हो गए। तो हमारे यहाँ कोई चीज़ जोड़ती नहीं थी पॉलिटिकली भारत को जोड़ने का विचार बहुत कमज़ोर रहा है पिछले ज़माने में। हमारी समाज का संगठन ही एक अजीब था वो एक दूसरे को जोड़ता भी था और एक दूसरे को अलग रखता। याद रखो भारत कहाँ से कहाँ तक है ऊपर हिमालय पहाड़ से लेके दक्षिण में रामेश्वर और कन्याकुमारी तक सारा भारत फैला हुआ कितने बड़े बड़े प्रदेश हैं ये सब है माना। लेकिन इसके अलावा लोग हैं वहाँ जो रहते हैं जानवर भी हैं लोग हैं सभी भारत माता है। और एक माने में कहो कि भारत माता कि सारा पुराना जो भारत का इतिहास है कहानी है वो भी भारत का एक हिस्सा है। आजकल खाली नहीं भारत तो आज नहीं हुआ हजारों बरस से पुराना है और उसका इतिहास बरसों से चला आता है ऊँच नीच और क्या क्या हुई वो सब भारत का इतिहास है।
जो सारे सुंदर किताबें लिखी हैं, सुंदर बातें हुई हैं, सुंदर मकान इमारतें बनी हैं, फ़र्ज़ करो कि ताजमहल आगरे में प्रसिद्ध जगह है, तुमने शायद देखा हो, बड़ा सुंदर सुंदर चीज़ है, वो भी भारत माता का एक टुकड़ा है, और सब मिल के भारत माता होती है। लेकिन विशेषकर भारत माता भारत में जो लोग रहते हैं, पुरुष स्त्री बच्चे और सब, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे आप लोग हैं तो आप लोग भारत माता हैं। उन किसान जो थे, वो जाट किसान, उनसे मैंने कहा आप लोग हैं, तो ये सुन के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो भारत माता हैं। मैंने कहा कि आप भारत की जय पुकारते हैं तो भारत माता कहीं छिपी हुई कोई स्त्री तो नहीं है, लंबे बाल करके कहीं बैठी है कहीं पर्दे के पीछे? अरे भारत माता तो आप और हम हैं, हम सब मिल के भारत माता होते हैं, बड़े छोटे, और हम सब भारत माता के छोटे छोटे टुकड़े मिल के, करोड़ों मिलकर भारत माता होते हैं। खैर, कश्मीर है, पंजाब है, दिल्ली आ जाता है, फिर हिमाचल है, वो भी पहाड़ी एक प्रदेश है हमारा, फिर और उत्तर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आता है, और उधर आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा है, असम है, और नीचे जाओ मैसूर है, मद्रास है, तमिलनाडु, केरल है, ये बड़े बड़े प्रदेश हैं सब, वो सब मिल के भारत होता है, अलग भारत नहीं है कोई। अब जो लोग रहते हैं मद्रास में और पंजाब में और गुजरात में और यहाँ सब, उन सबों को याद रखना चाहिए कि हम गुजरात में पैदा हुए तो हम गुजराती कहलाएं तो ठीक है, लेकिन असल में गुजराती पर बहुत ज़ोर नहीं देना है, हम भारत में पैदा हुए, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, असल चीज़ वो है, हम सब लोग हैं, तो हमारा बड़ा भारी परिवार है सारे भारत का, सारे हिंदुस्तान का, सब लोग मिल के, तो हमें एक परिवार की तरह रहना है, ख़ानदान की तरह मिलजुल कर, हमारे धर्म अलग अलग हैं, अच्छा है जिसका जो धर्म रहे, हमारी भाषा भी अलग अलग है, सब भारत की भाषाएं हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग इन बातों पे लड़ा करते हैं। भाषा है, भाषा कोई लड़ाई की चीज़ थोड़ी है, सब भाषाएं हमारी देश की हैं, और तुम्हें चाहिए हमारे देश की कई भाषाएं जानना, विदेश के भी जानो, अंग्रेजी पढ़ते हो अच्छा है, लेकिन देश की भाषाएँ कई जानना, ये नहीं कि एक ही भाषा जाने, दो तीन कम से कम तो जाने, दक्षिण की भाषा है, उत्तर की है, हमेशा याद रख के कि हम सब तो एक बड़ा परिवार है, हमें मिल के चलना है, और हमें इस देश को बहुत दूर तक पहुंचा देना है, भारत को मिलकर, अकेले तो हो नहीं सकता। एक बात का हम पक्का इरादा रखते हैं और दोहराते हैं हमारी प्रतिज्ञा को, और वो ये है कि हम इस बात को आखिर दम तक चलाएंगे जब तक कि असम और सारा हिंदुस्तान और बिल्कुल दुश्मन से खाली ना हो जाए। हम कोई गलत तस्वीर नहीं करते, गलत फैसला नहीं, गलत समझौता नहीं। अब इसके माने हैं कि हमें मुल्क को काफ़ी बोझे उठाने होंगे। मुल्क ने दिखाया है कितना उसे जोश है, कितना इस पिछले दो चार हफ्तों में जो भारत का रूप हमने देखा है उसको देख के दिल खुश हुआ है, दिल मजबूत हुआ है। अब और भी ज़बरदस्त हमारे सामने इम्तिहान आने वाले हैं और उनका भी हम सामना करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उनका भी हम सामना करेंगे दिलेरी से, हिम्मत से और बग़ैर ज़रा भी ढील दिए। पहली लड़ाई है ये जिसको आज़ाद हिंदुस्तान अपनी आज़ादी कायम रखने के लिए लड़ रहा है। इससे ज़्यादा पवित्र लड़ाई क्या हो सकती है? अगर हम अपनी आज़ादी का ज़रा भी हिस्सा छोड़ दें या हमसे छूटा जाए तो हम पे किस मुंह से रहेंगे और किसका मुंह देखेंगे? हमें अपने मुल्क को, पूरे मुल्क को आज़ाद रखना है, और उसके लिए जो भी कुछ देना हमें है हम देंगे, जो कुछ कुर्बानी करनी है करेंगे, इस इरादे से कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी को पूरी तौर से काबू में रखें और जो कोई उस पर हमला करे उसका पूरा मुकाबला करें और उसको हराएं।
इसी तरह से मुल्क बनते हैं और शायद ये भी किस्मत ने तय किया हो कि हमारा मुल्क भी ज़रा ढीला हो गया था, उसको फिर से चुस्त चालाक होना है, तगड़ा होना है। इस मामले में हमें सबों को मिल के काम करना है। इस वक्त पार्टी और दल की बातें नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हर एक हिंदुस्तानी है और हर एक दुश्मन का मुकाबला करता है, चाहे वो सिपाही है वो करता ही है, चाहे वो हवाई जहाज़ के चलाने वाले बहादुर हमारे नौजवान हैं, चाहे वो खेत में काम करता है, चाहे कारखाने में या दुकान में, कहीं हर एक हिंदुस्तान का सिपाही है। और आने वाले दिनों में और महीनों में और बरसों में सिपाही रहना है हर एक को, और हर चीज़ हर काम में अव्वल काम यही है, उसके बाद और काम आते हैं, चाहे हमारे घर के या किसी और बात के। अव्वल काम यह है कि हम वो बातें करें जिससे हिंदुस्तान मजबूत हो, हिंदुस्तान की हिफाजत हो, जिससे हमारी फौजें मजबूत हों और बहादुरी से लड़ सकें। ये बात मुझे आपसे इस वक्त कहनी थी, बाद में मौके आएंगे फिर मैं आपसे कहूँगा, लेकिन इस बात को आप याद कर लीजिए कि इस मामले में चाहे जो कुछ कहीं ना कहीं हमारी छोटी हार हो, या हमारी फौजें हटा दी जाएं या दबा दी जाएं कसरत के नंबर से, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि हमें हिंदुस्तान को की आज़ादी की रक्षा करनी है। हम कोई ऐसी बात मंजूर नहीं करेंगे जिससे ज़रा भी हिंदुस्तान की शान किरकिरी हो। आप हम सब इस बात की प्रतिज्ञा लें और साथ मिलकर पैर मिलाकर हाथ पकड़ के आगे चलें। यकीनन मुझे पक्का यकीन है कि हमारी जीत होगी और हिंदुस्तान आज़ाद रहेगा और पहले से ज़्यादा मजबूती से रहेगा, और किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर कि आँख उठा के हिंदुस्तान की तरफ देखे। ये बड़ा हमला चीनी फौजों ने नेफा में किया, इसका जवाब भारत भर में क्या हुआ? सारे भारत एकदम से चौकन्ना हो गया, होशियार हो गया, और सारे भारत में एक बिजली की तरह से एक लोग उठे और उनमें बहुत उत्साह हुआ। सब लोग, हम लोग तो अपने भाई बहनों को जानते हैं सब जगह, और मुझे इस बात का यकीन था कि भारत के लोग तगड़े हैं, अच्छे हैं, और कोई भी उनके सामने संकट आया तो उसका ज़ोरों से सामना करेंगे। लेकिन जितने उत्साह से और जोश से सारे भारत में ये बात फैली, उससे मुझे भी कुछ आश्चर्य हुआ और मेरा मन बहुत संतुष्ट हुआ, क्योंकि ये निशानी थी एक बड़े देश की, दम की, हिम्मत की, ताकत की, बहादुरी की। जिस तरह से पुरुष, स्त्री, बच्चा बच्चा भारत का, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, किसी प्रांत का हो, ऊपर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, ये बिजली की तरह से ये विचार दौड़े। मैंने सोचा और मैंने कहा भी था वहाँ लोकसभा में कि चीनियों ने जो ये किया हम उसको बहुत बुरा समझते हैं, और मैंने एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था, बहुत फायदा हुआ, भारत को जगा दिया उन्होंने, सारे भारत को, और हम जरा कुछ ढीले हो गए थे, एकदम से जान पड़ गई, या कहिए जान तो थी हम में, एकदम से वो निकल आई बाहर, हमारे छोटे मोटे झगड़े बंद हो गए। एक बात रही भारत की रक्षा करना, भारत के एक एक अंग की रक्षा करना, और भारत की स्वतंत्रता स्वराज को रखना। श्रोते हो, आत्ताच आपण पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या स्मृती दिनानिमित्त आकाशवाणीच्या संग्रहातील त्यांचं भारत की एकता या विषयीचं भाषण ऐकलं. श्रोते हो, याबरोबरच आजचा हा विशेष कार्यक्रम
इथे संपतो. मी मेघना बाबरे आपला निरोप घेते. नमस्कार.